हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सी एस पी टेक्निकल में, जिसमें साथियों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को हीट होने से कैसे बचाएं। साथियों, कभी कभी हम जैसे पबजी खेलते हैं तो हमारा फ़ोन लैग मारने लगता है और अधिकांश हद से ज़्यादा हीट हो जाता है। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि साथियों हम अपने मोबाइल फ़ोन को हीट होने से कैसे बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। उससे पहले जो दोस्त मित्र हमारे यूट्यूब चैनल सी एस पी टेक्निकल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलते हैं आगे। साथियों, आज के दौर में स्मार्टफोन्स लगभग सभी व्यक्ति अपने जीवन में यूज़ करते हैं, तो अधिकांश मोबाइल फ़ोन हीट होने के कारण उनकी बैटरी या तो बेकार हो जाती है या फिर फट जाती है। तो साथियों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा कि हम अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन को कैसे हीट होने से बचाएं। तो साथियों, सिंपली हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। ऊपर जो सर्च बार नज़र आता है, हम उसमें टाइप कर देते हैं परमिशन। परमिशन टाइप करने के बाद साथियों, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो हम सेकेंड नंबर पर परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। परमिशन ऐप्स पर क्लिक करने के बाद साथियों, हमारे सामने एक और न्यू विंडो ओपन आ जाती है। तो सिंपली हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक ऑटो स्टार्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो साथियों, हमारे सामने कुछ ऐप्स जो हमारे डिस्प्ले पर दिखाई देते हैं, वो हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये चार ऐप्स यहाँ पर ओपन है। सिंपली हमको इन्हें बंद कर देना है, ऑफ़ कर देना है। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है जो ऐप्स हमारे किसी काम के नहीं होते और वे ओपन रह जाते हैं, तो वे साथियों डिस्प्ले लॉक स्क्रीन पर भी रनिंग करते रहते हैं, जिससे हमारे फ़ोन की बैटरी ज़्यादा लगती है और मोबाइल हीट होने लगता है। तो साथियों, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इनको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। दूसरा नंबर है अदर परमिशन। जैसे हम अदर परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, साथियों ऊपर हमें ऐप्स परमिशन पर क्लिक कर देना है, जो कि सबसे टॉप पर है। टॉप पर क्लिक करने के बाद साथियों, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो सिंपली हमने मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स पर ओपन कर दी क्लिक कर देना है, ओपन कर लेनी है। तो जैसे ही साथियों हम इस तरह की सेटिंग्स ओपन करते हैं, साथियों आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ ज़्यादा ऐप्स आ सकते हैं, मेरे में सिर्फ तीन ही आ रहे हैं, ये साथियों यहाँ पर अलाउ हैं। तो साथियों, हमने अपनी यूज़ के हिसाब से इनको ओपन यानी कि चालू और बंद कर लेना है। तो साथियों, मेरे यहाँ पर कोई भी ऐप्स किसी भी काम का नहीं है। तो साथियों देखो, यहाँ ये नीचे ऑलवेज अलाउ लिखा हुआ है। तो साथियों, मैं इनको सिंपली डेनी कर देता हूँ, यहाँ पर डेनाई कर देता हूँ। तो साथियों, मैंने तीनों ऐप्स बंद कर दिए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। साथियों, आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको ओपन कर सकते हो। तो साथियों, तीसरा ऑप्शन है परमिशन। परमिशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, और सिंपली हमने लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों, हमारे सामने लगभग जितने भी हमारे डिस्प्ले पर ऐप्स पड़े हुए हैं, वो सभी हमारे सामने आ जाते हैं। तो साथियों, हमने इनके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। और जिस ऐप्स को आप अलाउ रखना चाहते हैं, उसको अलाउ रहने दें, अलाउ ऑल द टाइम, और नहीं तो साथियों डिनाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। साथियों, मैं यहाँ पर इनको अलाउ ओनली दी वाइल्स ऐप्स यूजिंग पर क्लिक कर देता हूँ। यानी कि साथियों, अगर इन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या कुछ भी आएगा, तो साथियों वो एक ही बार आएगा। जैसे साथियों, बार बार नोटिफिकेशन आने से हमारे मोबाइल की बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है, और जिस कारण बैटरी गर्म हो जाती है और साथ साथ हमारा मोबाइल फ़ोन भी गर्म हो जाता है। तो साथियों, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने मोबाइल फ़ोन्स के जितने भी ऐप्स हैं, उनको या तो डिनाई कर लें, या फिर साथियों अलाउ ऑल दी टाइम वन टाइम पर क्लिक करके उनको यूज़ कर लें। तो साथियों, ये तो था फर्स्ट मेथड। बात करते हैं सेकेंड मेथड की। साथियों, मैं आपको बताऊँगा कि हम ट्रिक नंबर दो से किस तरह से अपने फ़ोन को हीट होने से बचा सकते हैं। साथियों, सिंपली हमने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है, जो कि हमारी डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है। जैसे ही हम अपने फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, तो साथियों हमने अपने मोबाइल फ़ोन्स का जो जहाँ से हम वर्ज़न देखते हैं या फिर उसका मॉडल नंबर देखते हैं, सिंपली हमको कहने का मतलब ये है साथियों, सिंपली हमको अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो कि सबसे मेरे फ़ोन में सबसे टॉप पर आ रहा है। साथियों, आपके फ़ोन में ये कहीं भी हो सकता है, मोर सेटिंग्स में हो सकता है, या फिर सर साथियों लास्ट में हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पर ये टॉप पर है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद साथियों, MIUI वर्ज़न, जो कि आपके सामने ये आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं।
क्लिक करने के बाद साथियों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। साथियों ऊपर आपको राइट कॉर्नर में थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, हमने सिंपली इन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। साथियों कभी कभी ऐसा होता है हमारा मोबाइल फ़ोन्स का वर्ज़न ओल्ड हो जाता है, जिस कारण हम ध्यान नहीं दे पाते और अपना फ़ोन को अपडेट नहीं करते। तो साथियों इस फीचर्स से हम अपने फ़ोन्स को डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छे से, जिससे हमारा फ़ोन हीट होना कम हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ ट्रिक्स थी जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग करके अपने फ़ोन को गर्म होने से, हीट होने से बचा सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा चला सकते हैं। और साथियों कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि हम अधिकांश फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर पबजी खेलते हैं, उससे भी हमारा फ़ोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है और साथियों बैटरी भी गर्म हो जाती है, जिससे बैटरी फटने का भी डर बना रहता है। तो साथियों कृपा करके फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर पबजी या कोई भी गेम या फिर वीडियोस ना देखें। साथियों अपने मोबाइल फ़ोन की चमक बनाए रखने के लिए हम उस पर लेमिनेशन करा लेते हैं, उससे फ़ोन हमारा बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो साथियों कृपया करके अपने फ़ोन को लेमिनेटर ना कराएं, और साथियों कराई हो तो उसको हटा दें, रिमूव कर दें। धन्यवाद।